मध्य प्रदेश खंडवा। नर्मदा बचाओ आंदोलन लगातार 12 दिन पानी में रहने के बाद सरकार ने जल सत्याग्रहियों की सभी मांगे मान ली है। सरकार द्वारा सभी मांगे पूरे करने के बाद जल सत्याग्रह समाप्त हो गया। बांध सुरक्षा की जांच के बाद जल स्तर पर पुनर्विचार। जिनके घरों में पानी भरा गया उनको तत्काल घर प्लॉट आवंटित कर निर्माण में विशेष सहायता की जाएगी। पुनर्वास कार्य की तेजी के लिए 11 नवंबर से प्रारंभ होगी संयुक्त प्रक्रिया। आज राज्य शासन द्वारा सभी मांगे पूरे किए जाने और शासन की ओर से पुनर्वास आयुक्त श्री पवन शर्मा द्वारा लिखित में सभी मांगे स्वीकार करने के पत्र दिए जाने के बाद ओंकारेश्वर बाद प्रभावितों ने गत 12 दिन से जारी जल सत्याग्रह समाप्त कर दिया है। राज्य शासन की ओर से आज पुनर्वास आयुक्त श्री पवन शर्मा पुनः जल सत्याग्रहियों के बीच पहुंचे और उन्हें लिखित में सभी मांग स्वीकार करने का पत्र देते हुए जलाशय में पानी कम करने के विषय में लिखित में दिया कि पूर्ण जलाशय स्तर पर बांध सुरक्षा की जांच के बाद बांध के जल स्तर कम करने के विषय में पुनर्विचार किया जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि जल स्तर बढ़ने से जिन घरों में पानी भरा है उन्हें तत्काल घर प्लॉट दिया जाएगा और उन्हें घर निर्माण के लिए हर संभव सहायता की जाएगी। मध्य प्रदेश के खंडवा से रिपोर्टर अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट।